फ्लॉप हो रहे केएल राहुल पर बोले कोच। राहुल द्रविड़ ने टीम की रणनीति पर की बात। वर्ल्ड कप को लेकर कोच की बात। टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल लगातार टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हो या फिर नीदरलैंड के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लगातार केएल राहुल के बल्ले को शांत देखा जा रहा है। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। आपको ये बता दें कि अब केएल राहुल का बचाव टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने किया है। हालांकि केएल राहुल को लेकर आलोचकों का कहना है कि ऋषभ पंत को उनके बदले ओपनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब हेड कोच राहुल द्रविड़ ने जो बचाव में केएल राहुल के लिए कहा है, उससे तो रणनीति साफ हो गई है कि केएल राहुल ही टीम इंडिया के लिए लगातार ओपन करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहा है राहुल द्रविड़ ने, उस पर नजर डालें तो उन्होंने कहा कि केएल राहुल हमारे लिए आगे भी खेलेंगे। उन्होंने कहा कि केएल राहुल के पास एक शानदार रिकॉर्ड है, एक अच्छी बैटिंग का टैलेंट है और हमने देखा है कि वे एक शानदार खिलाड़ी हैं। ये सब चीज़ें टी20 क्रिकेट में आम है। ओपनिंग करना हमेशा मुश्किल रहता है और यह आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि केएल राहुल लगातार हमारे लिए रन बना सकते हैं और हम उनसे इसी बात की उम्मीद करते हैं। आने वाले मैचेस में वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसकी हमें उम्मीद है। वह एक बेहतर खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स के बारे में केएल राहुल को पहले से ज़्यादा जानकारी है। आपको ये बता दें कि कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की लय थोड़ी सी बिगड़ी है, लेकिन टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हम और ज़्यादा अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि खिलाड़ी एकजुट होकर लगातार कम बैक करेंगे और टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन करती चली जाएगी। कोच राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि टीम इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो यहां से आपके लिए चार मैचेस हैं। पहला मुकाबला बांग्लादेश और उसके बाद जिम्बाब्वे, के बाद टीम इंडिया को आगे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेलना है। आपके पास केवल चार मुकाबले बचे हैं और आप लगातार बेहतर प्रदर्शन कीजिए, तभी आप वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे। ये बता दें कि भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कर रहे केएल राहुल की लय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। केएल राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ चार रन बनाए, नीदरलैंड के खिलाफ 9 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनके बल्ले से केवल 9 रन आए हैं। अब तक केएल राहुल वर्ल्ड कप में दोहरे अंक यानी कि डबल डिजिट्स में रन नहीं बना सके हैं और इसके बाद से ही लगातार आलोचकों का कहना है कि केएल राहुल को टीम इंडिया से आराम दिया जाना चाहिए। लेकिन अब कोच राहुल द्रविड़ ने स्थिति को साफ कर दिया है और उनका कहना है कि टीम इंडिया के लिए ओपनिंग केएल राहुल ही करेंगे और उपकप्तान केएल राहुल का टीम में रहना काफ़ी ज़रूरी है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहे वन इंडिया। नमस्कार।